वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको आज एक्सप्लेन करेंगे आरबीएस वेलफेयर के बारे में। रिक्वेस्ट काफी आ रही थी एंड वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आपके लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसलिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूं, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है आरबीएस वेलफेयर। कंपनी वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्लान आपको समझाना है। वैसे कोई कंपनी नहीं है, लेकिन अगर इनके अबाउट अस की बात की जाए तो इनकी वैसे टोटल चार वेबसाइट चल रही है। मैंने चार वेबसाइट देखी है जिसमें rbswelfare.live.com.in and .org, और भी वेबसाइट हो सकती है लेकिन हमें चार वेबसाइट ही मिली है अभी तक। एंड काफ़ी टाइम से मार्केट में है, और वैसे ये कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने अबाउट अस में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट बेस्ड ऑनलाइन कंपनी। दोस्तों कोई भी फाउंडेशन एक कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि एक कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं एंड शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाउंडेशन कभी भी कंपनी नहीं हो सकती, तो इसको सही कर लीजिए अपने अबाउट अस को। एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि एक फाउंडेशन कंपनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कंपनी कैसे होती है, क्योंकि जब डायरेक्टर्स ही नहीं होंगे तो कंपनी कैसे, जब शेयर होल्डर्स ही नहीं होंगे कंपनी के तो कंपनी कैसे। और सिंपल है, एंड आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि कोई भी फाउंडेशन एक कंपनी नहीं हो सकती। दोस्तों के अबाउट अस को अगर आप चेक करोगे तो कुछ वेबसाइट पे इनका अबाउट अस सेम है एंड कुछ वेबसाइट पे इनका अबाउट अस बदल जाएगा। एंड मैंने चेक किया इनकी चार वेबसाइट पे, दो वेबसाइट पे अलग अबाउट अस पड़ा हुआ है एंड जो दो वेबसाइट है उन पे अलग अबाउट अस है। तो दोस्तों ये बोलना चाहता हूँ कि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग अबाउट अस होना सही संकेत नहीं देता है। दोस्तों अगर बात करें इनके लीगल डॉक्यूमेंट की, तो लीगल नेम में लिखा हुआ है अनिल सिंह है। एंड उसके बाद यहाँ पर इनका जो जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर मैंने चेक किया था वैसे इंटरनेट पे, तो वहाँ पर अनिल सिंह ही लिखा आया था। एंड ट्रेड नेम में आरबीएस वेलफेयर लिखा हुआ है। और भी डॉक्यूमेंट है, एमएसएमई का भी है। एंड उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट इन्होंने शो किए हुए हैं। दोस्तों जिस तरह का बिजनेस ये कर रहे हैं, नीचे जो अदर्स डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इनका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हैं इनका ये बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेल हुआ। एंड तो ये एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कंपनी नहीं है, क्योंकि एमसीए में अगर रजिस्टर्ड होंगे तो कंपनी की इनको उपाधि मिलेगी एंड कंपनी के डायरेक्टर्स भी होंगे। तो एमसीए में ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास मान लीजिए बस केवल दो ही डॉक्यूमेंट हैं जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस हिसाब से, एमएसएमई का एंड जहाँ तक मुझे पता है। एंड उसके बाद इनका एक है रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर है, और जीएसटी नंबर में लीगल नेम अनिल सिंह के नाम से है, जो लीगल नेम है वो अनिल सिंह के नाम से है। एंड उसके बाद और डॉक्यूमेंट भी आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। एंड उसके बाद हमने इनका बैंक अकाउंट चेक किया, HDFC का है। एंड एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ, जो भी लीडर्स इसमें काम कर रहे हैं अगर उनको विड्रॉल इसी अकाउंट के नाम से मिल रहा है, दोस्तों ये अकाउंट वैलिड है। अगर इस नाम से आपको विड्रॉल नहीं आता है या आपको IMPS करते हैं, NFT नहीं करते, तो यहाँ पर भी झोल हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ देखी हैं जहाँ पर AC होल्डर नेम में लिख देते हैं कंपनी का नाम, लेकिन वो होता है किसी और नाम पे। एंड तो इसको भी आपको चेक करना होगा, अगर आप विड्रॉल ले रहे हैं तो आपको अगर इसी नाम से विड्रॉल मिल रहा है तो ये जेन्युइन है, नहीं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा झोल है। उसके बाद चेक किया प्रोडक्ट, एंड वैसे तो अलग अलग प्लान में यानी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट पैकेज ये सेल करते हैं, लेकिन इनकी दो वेबसाइट पे मैंने देखा कि ये कैप्सूल टैबलेट ही बेच रहे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको कैप्सूल मिल जाएंगे, टैबलेट्स मिल जाएंगी एंड फेस वॉश भी है, एंड इसी तरह के प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, और एक वेबसाइट पे गोल्ड भी सेल कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं इनका जो कॉन्टैक्ट अस है, शाहजहांपुर की कंपनी यूपी की। एंड कंपनी वर्ड का इस्तेमाल इसे इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए, वैसे कोई कंपनी नहीं है। एंड एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार ऑफिस पर जरूर विजिट करें
ताकि आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। एंड दोस्तों हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग बिजनेस प्लान पड़े हुए हैं, एंड एक ही डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट अनेक एंड प्लान भी अनेक है। तो यहाँ पर .com जो उनकी वेबसाइट है उसमें 2500 रुपये का प्लान है, एंड .live पे 450 रुपये का प्लान है, एंड .in पे 600 रुपये का प्लान है, एंड इनकी जो लेटेस्ट अभी ORG वेबसाइट है उस पर 700 रुपये का प्लान है। एंड मैं 700 वाले की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के प्लान की वेबसाइट पे पड़े होंगे। एंड 700 रुपये से ज्वाइन कर सकते हैं आप .org वेबसाइट, एंड 100 रुपये डायरेक्ट इनकम मिलती है। आपने क्राउड फंडिंग का नाम तो सुना ही होगा, पहले क्राउड फंडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 2x2 मैट्रिक्स एंड दो मेंबर आपके डाउन में आते हैं, अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं वो भी आएंगे एंड ऊपर से भी आ जाते हैं। एंड तो 200 रुपये आपको प्रत्येक मेंबर से आएगा, 400 रुपये की टोटल इनकम फर्स्ट लेवल से, 200 रुपये आपके अपग्रेड के लिए जाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, एंड 200 रुपये की नेट इनकम आपको हो जाती है। ऐसे चार मेंबर से आपको फिर 200 आएगा, 800 रुपये की टोटल इनकम, 400 रुपये का अपग्रेड एंड नेट इनकम आपके यहाँ पर भी 400 रुपये होती है। थर्ड लेवल के 8 मेंबर से 400 रुपये आपको प्रत्येक मेंबर से 3200 रुपये की इनकम, ऐसे टोटल आप 6 लेवल तक यहाँ से पैसा ले सकते हैं। ये ऑटो स्पीड भी होता है, ऊपर से भी आइडिया जाती है, अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो भी आपके डाउन में काउंट ही होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लेवल इनकम भी दे रहे हैं, 6 लेवल तक लेवल इनकम आपको मिलती है, फर्स्ट लेवल के प्रत्येक मेंबर से 100 रुपये, सेकेंड लेवल के प्रत्येक मेंबर से 20 रुपये, एंड थर्ड से 20 रुपये, फोर्थ से 20 रुपये, एंड फिफ्थ से 20 रुपये, एंड सिक्स्थ लेवल से 20 रुपये आपको आता है। उसके बाद बाइनरी भी दे रहे हैं, 1:1 की यहाँ पर बाइनरी अकाउंट होती है, 70 रुपये पर पेयर से आपको मिलता है, एंड 10 पेयर का डेली पैसा आप यहाँ से ले सकते हैं, यानी 10 पेयर की डेली कैपिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी आपको दे रहे हैं, एंड आपके स्क्रीन पर हो रहे हैं, 5 की टीम पर 700 का टॉपअप, एंड 25 की टीम पर 5,100 का कैश रिवॉर्ड, एंड नेक्स्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट कंपलसरी यहाँ पर दिया है उन्होंने, 125 की 1100 कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है, 5 डायरेक्ट, 625 पे 21,000 का कैश, 10 डायरेक्ट, 3,125 पे 51,000 का कैश, एंड 15,625 पे 1,11,000 का कैश आपको मिलता है, 20 डायरेक्ट आपको लगाने हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ये था बिजनेस प्लान। तो सब चीज़ें आपके सामने शो कर दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कहाँ की ये कंपनी है, वैसे तो कोई कंपनी है नहीं, एंड उसके बाद हमने इनके प्रोडक्ट्स आपको बताए, एंड लीगल तो मैंने ऑलरेडी बताई दिया है आपको, और इनके जो ओनर हैं उनका भी कहीं पर नाम मेंशन नहीं, नाम हमें मिला नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने कंपनी वर्ड का इस्तेमाल तो कर दिया है लेकिन इनको खुद नहीं पता कि कंपनी बनती कैसे है। दोस्तों आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्लान होना क्या संकेत आपको देता है, आप खुद ही सोचिए, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्लान लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाएंगे कौन सी वेबसाइट को विजिट करें, कौन सी वेबसाइट पे प्लान देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके प्लान कंबाइन नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्लान एक साथ जोड़ रखे हों उन्होंने, लेकिन अलग अलग वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है, आप एक ही वेबसाइट पे भी काम कर सकते हो, अलग अलग पैकेज आप डाल सकते हो, अलग अलग काम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग वेबसाइट बना रखी हैं, अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अलग अलग पैकेज हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी वेबसाइट और भी आ सकती है, नहीं अभी .org आ गई, कुछ भी आ सकता है .us, बहुत सारे डोमेन्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि कंपनी नहीं है, एक तो ये कंपनी नहीं है और इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, फाउंडेशन एक चैरिटी के लिए होता है, आपको पता है इस चीज़ का, आप चैरिटी के लिए फाउंडेशन बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं उसके लिए फाउंडेशन बनता है, या किसी और कार्य के लिए भी आप फाउंडेशन बना सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट सेल तो कंपनी के अंदर होते हैं, मार्केटिंग कंपनी होती है वो मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट की, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो वो चीज़ें चलती हैं, और वहाँ पर डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि टोटली फ्रॉड है, मेरे हिसाब से टोटली फ्रॉड है। लेकिन आपका क्या कहना है RPS वेलफेयर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा तो कहना यही है कि बिल्कुल 100% मुझे तो फ्रॉड ही लग रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट लॉन्च करते जा रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे, कहीं पर प्लान एक्सप्लेन किया था एक साल पहले .com का, .in का, फिर लाइव का, अब .org भी आ चुका है, आगे मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके और भी वेबसाइट आने वाली हैं। तो मुझे तो सर ऐसे लग रहा है कि टोटली फ्रॉड है, क्योंकि एक तो कंपनी नहीं है, बिना कंपनी के काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये फ्रॉड है, एंड कोई कंपनी नहीं है, आपको इससे दूर रहना है, आपको इसमें काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है RPS वेलफेयर को लेकर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में,
क्या ये जेन्युइन है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फ्रॉड है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स।